गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं, 10 नहीं पौने 10 हुआ है। और मैं जल्दी उठ गई थी करने लगी वीडियोस वगैरह का, तो मैं थोड़ा लेट हो गई। और मेरी भारती मेरे ख्याल से इस पूरे महीने नहीं आई है, तो वही है, सफाई का करना पड़ता है। तो एक आध बार तो मैं सुबह जल्दी उठ के कर देती हूँ, एक आध बार पहले वीडियो का करने लग जाती हूँ, बाद में काम करती हूँ, तो पहले कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। झाड़ू हो गया है तो अब है पोछा लगाने का नंबर, तो चलते हैं। मैं बालकनी में ना धो रही थी, तब मेरे को ये लोग दिखाई दिए, दूध लेकर आ गए, दूध खत्म हो रहा था, लस्सी लेकर आ गए। तू के लेकर आयो खा लिया ये ले आ ना आया और आज ना तैयार हो गए ये पंखा बंद कर दे झाड़ू पोछा कर दिया नहीं आते, मम्मी झाड़ू पोछे में लग गए। तो मैं जाऊ नहाने के लिए, तब तक ये थोड़ा रेस्ट कर ले। चाय पानी थम खा खा रहे हो ना सारी चीज, तो मैं फटाफट तो नहा लूं। गुड मॉर्निंग जी, आज ये उठे हैं, अभी देख लो 10:30-11 का टाइम है। बाहर ना मम्मी पापा ना टीवी में सॉन्ग चेंज कर रहे हैं, तो मैं बाहर जाके दिखाती हूँ क्या बातें चल रही है। मैं नहा ली हूँ। तो होगी थारी खाने की तैयारी नहीं हुई के चल रहा है? होगी होगी होगी। चलो तो फिर पहले एक का है बात करो, तो आप फेस पे क्या लगा करो? फेस पे मैंने जब लास्ट टाइम नहीं मंगवाई थी वो क्योर स्किन वाली है, बताई तो थी मैंने तब, वो यूज करो अच्छा हो रहा है क्या? मैंने भी मंगवाई हुई एक बार, कुछ फर्क लग रहा है क्या? लग रहा है जब तो पूछा है हमने। अच्छा तेरे को भी चाहिए? हाँ ठीक है, तो इसके लिए भी ऑर्डर करनी है। और मुझे तो सच में फर्क लग रहा, आप सब भी बताना। एक डेढ़ महीने के पिछले तो मैं यूज करने लग रही हूँ, तो इफेक्टिव तो मुझे भी लग रही थी, पर वही है ना जब तक तो कोई ना बोले तब तक तो पता नहीं चलता इतना। जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो मुझे देख रहे हैं पिछले 1.5 मंथ से कि मैं क्योर स्किन का ऐप यूज कर रही हूँ। उस टाइम मैंने अपना स्किन केयर दिखाया था, एंड एवरी टाइम आई एम ट्राइंग कि मैं अपना स्किन का अपडेट शेयर करती रहूँ। चलिए आज बात करते हैं स्किन केयर ऐप के बारे में। क्योर स्किन ऐप एक AI बेस्ड ऐप है जहाँ पे आप एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हो, और आप उनसे अपने स्किन की प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे चैटिंग ऑप्शन एज वेल एज कॉल ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में शेयर किया था अपना स्किन केयर रूटीन क्योर स्किन ऐप का, जो मैं यूज कर रही हूँ। पूरा डिटेल में मैंने बताया था कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, कैसे उसको यूज करना है, कैसे आपको ऐप को डाउनलोड करना है, इन डिटेल मैंने सारी चीजें बताई थी। और डिटेल में जानना है क्योर स्किन ऐप के बारे में तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले स्किन एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट सबसे पहले स्किन का एनालिसिस करेंगे, तो जो मेन प्रॉब्लम है लाइक डार्क सर्कल है, डार्क स्पॉट है, एनी प्रॉब्लम, पिंपल्स है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आपका पर्सनलाइज किट तैयार होगा, उसमें आपको 4 to 5 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मेरे लिए जो पर्सनलाइज किट आया है उसमें मेरे को क्या क्या प्रोडक्ट मिले हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये है सबसे पहले क्योर स्किन का फेस वॉश, उसके बाद है ये क्योर स्किन का SPF सनस्क्रीन जेल जो कि ये डे टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद है क्योर स्किन का मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एंड ये लास्ट KLMC 20 का ये मुझे जेल रिसीव हुआ है जो मेनली जैसे आपका डार्क सर्कल है उस चीज के लिए। इन प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको डिटेल में देखना है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सबको पता है कोई भी जब हम नया प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारे अंदर डर रहता है कि यूज करे नहीं करे, यूजफुल होगा नहीं होगा, या स्किन को खराब कर देगा, पर क्योर स्किन ऐप मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। और आप लोग मेरे स्किन का डिफरेंस भी आप पहले से और अभी जो 1.5 महीने में जो भी डिफरेंस आया है मेरी स्किन में वो आप देख सकते हैं। एंड ऑल्सो मैं आपको अपना बिफोर और आफ्टर का फोटो अटैच कर दूंगी कि बिफोर मैंने जब अपना स्किन एनालिसिस किया था कितने सारे एरिया पर रेड मार्क हुआ था, पर अब की बार जब मेरा स्किन एनालिसिस हुआ तो डर्मेटोलॉजिस्ट को
कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया कंसर्न, जैसे कि एक्ने, डार्क सर्कल या डार्क स्पॉट्स। तो मेरा जो है डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट्स बहुत ही कम हो गया है, तो एक बार तो आपको ट्राई करना ही है। सो आई कैन फील द डिफरेंस, और अगर मुझे फील हुआ है तो आप लोगों को जरूर फील हुआ होगा। और आई थिंक क्योर स्किन की सबसे बेस्ट बात ये है, एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से चेक करने के लिए या कॉल पे बात करने के लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री है। हम लोग अपना टाइम निकाल के स्पेशल स्किन केयर एक्सपर्ट के पास जाते हैं, फिर वो एक्स्ट्रा हमसे कंसल्टेशन फीस चार्ज करते हैं, पर क्योर स्किन ऐप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डर्मेटोलॉजिस्ट आपसे 10 टू 15 डेज में आपका जो है स्किन का एनालिसिस करते हैं कि आपकी स्किन कैसी है, मतलब कितना इम्प्रूव हुआ है कितना नहीं हुआ है। और एक्चुअली अभी जब मैं बाहर घूमने गई हुई थी तो मेरे पास कॉल भी आया था कि आस्किंग अबाउट माई स्किन, एंड आई एम सो हैप्पी वन टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से क्योर स्किन ऐप आपकी स्किन को क्योर ही नहीं करता बल्कि आपकी केयर भी करता है, और यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। विजिबल रिजल्ट्स मैंने फील किया है, ऑब्वियसली आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो डोंट बी कंफ्यूज्ड एनी मोर, ये मैंने खुद ट्राई किया है और इसका रिजल्ट जो है आप लोगों के सामने है। ऑल्सो आई हैव ए प्रोमो कोड, इफ यू ट्राई माई प्रोमो कोड यू कैन यूज Swamit100, आपको अपने ऑर्डर में सीधा सीधा 100 rupees का ऑफ मिल जाएगा। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बाकी वीडियोस का मैंने लिंक भी दे दिया है जिसमें मैंने डिटेल में प्रोडक्ट्स को यूज किया हुआ है, आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो गाइज मेरी मम्मी को विश्वास नहीं हो रहा, उनको मैं लाइव चेक करके दिखा रही हूँ। ओह माय गॉड, मुझे गिनती के सिर्फ 2 या 3 स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। और अगर आप मेरे टाइटल पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पे मैंने ऐप लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी जा सकते हैं, मैंने लिंक को कमेंट सेक्शन में भी पिन किया है। रिमोट चलाना सिखा लिया, जो कि दनवाई खजरी है वो खबर देखा है, वो मम्मी गाड़े वो लोग चला रहा है, वो चाल नहीं रहे ना यार, भी गाड़ी चलावा आज तो गरम गरम रोटी बनानी शुरू। तवा तो रखा है को नहीं, मैंने अच्छा वाला टोप पहन रहा था, मम्मी ने चेंज करा दी, बोले ना ठंडी है। गुड मॉर्निंग, अब उठ के आए या सबसे लेट उठे 11:30 बजे। उठ गया था मैं पहले, मॉर्निंग वॉक पे चला गया। बकवास कम करो, ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, अब मैं करूंगी दाल अचार रोटी और यो लूंगी लस्सी। जा रही हूँ मार्केट, बेबी के लिए शॉपिंग करनी है, छोटे बेबी के लिए। आपके लिए कुछ लेके आना है? नो। पक्का? आज मैं ड्राइव करके जाऊंगी। जरूर। ये नहीं जा रहे, इनको कोई काम है तो हम जा रहे हैं, क्योंकि जो मेरा भतीजा होया था उसके लिए हमने खूब सारी शॉपिंग करनी है। आज फिर मार्केट में लेकर चल रहा है, आज ना छोटा मन में ना हमारी आना, इतनी नींद आवे है मार्केट में लेकर चल रहा है, कितनी नींद आ रही है। हमारी लड़ाई हुई किस बात पे? मेरे दोल का मेरा किस बात पे लड़ाई? चल से चल जी गाड़ी में लड़ाई हुई मछली ट्रॉफी पे, मैं पैकेट तो खोला ला और इनू खींच ली, मैंने रोड़ा मचा दिया, जो पापा ने मारे इसका 2 थप्पड़। चिड़ी देख मेरे लोग आगे भाई, अब जाऊंगी मार्केट। हरिओम मोहित ने के रखे 2-3 दिन ते, इस तो कुछ भी कर देना। सही नाम है जो ले लो। तो गाइस हम लोग आ गए हैं सेक्टर 14 में। तो पहले हमने सोचा था कि ना हम लोग सदर जाएंगे, बट पहले हम 14 आ गए, पहले यहाँ देखते हैं। तो ये देखो छोटे बच्चों का कितना प्यारा प्यारा कलेक्शन है, मैंने एक ही वो पसंद करा, दिखाइए मम्मी कितना क्यूट सा लग रहा है, कितना प्यारा सा। सो गाइस दी और मम्मी मिलके शॉपिंग कर रहे हैं, पापा और भाई कहाँ, यहाँ क्या खरीद रहे हो भाई? मैं एक बार उनका निबट जा बड़का का, फिर मेरे लाग जाएंगे दवा। पापा भी आ गए,
समझ ही नहीं आ रहा बच्चों को इतना ज्यादा कलेक्शन है समझ। अब मोहित भाई अपने लिए देख रहा है कुछ देखेगा तो इसको पसंद आती है तो वैसे इसको आती नहीं है पर ट्राई करने लग रहा है अब ये वाली कैसी लगेगी इसको। नो भाई यो ट्राई करिए कह रहा है कैसी लग रही है मगर अच्छी लग रही है ले लेते हैं। कस्टमाइज साइज कराना पड़ा इसका यो समोसे का साइज बढ़ रहा है। मेरे मम्मी को बोले सिर में दर्द देखते देखते रुके चलो बार बोले जूस पिया दो मैनू कह मेरे नीचे आते सिर में दर्द हो जा भाई मैंने मतलब करो इतनी भीड़ में रे लोग देखो ऊपर जा लिए मैंने नीचे ही छोड़ गए अकेले अकेले क्यों गया क्यों गया अरे वो बाहर है ना मम्मी के उधर क्यों गया क्यों गया तो क्या एकदम तक स्त्रिया दे रही मम्मी ना ट्रोली ने लेके चढ़ाना लग रही थी एक दिन से पता नहीं गुड्डे पे ट्रोली लगी तेल लगा नीचे गिर गई मना सी प्यार मर दर्द भी हो रहा है ये लुगाई देख मना तो ज्यादा हंसी आवा सामने तुम लोग देखने लग रहे हैं ये देख देखो सब देखने लग रहे हैं हमसे पापा ये भी मैंने देखी थी अच्छी लगेंगी ये देखी होगी देखी थी मैंने मम्मी थी देख लेंगी हाँ ये आएगा आ जाएगी। हाँ ये मोहित ने ले लिए शूज अपने मम्मी का ऐसा गोड्डा फूटा पापा ने पूछा है किसा गोड्डा फूटा मम्मी ने कहा अच्छा दर्द हो रहा है बोले बस सब लोग देख रहे इस बारे पता ना चल रहा ये बेटी मोटा फूटा डिस्काउंट डिस्काउंट तो बना ही है और इसने का चढ़ा क्या करो यार फिक्स रेट होता था ये कभी भी ना ऐसे डिस्काउंट नहीं करते एक रुपया पापा लगता जाते डिस्काउंट करिए ये देखो कर लेते मेरे घर वाले इतने कंजूस है 20 रुपए वैसे मैं भी हूँ जब भी शॉपिंग करना हुआ ना वो थैला लेना भूल जाओ और ये करें फिर 20 रुपए चार्ज तो आता में सामान ठा ले सारा या जब टॉफी खा जा है या जब टॉफी खा जा बैठ ले ये पा पा ये मत इधर ही है यार ये तू भी किधर है तू बेस्ट है इसमें है ये ना ना भगवान का समय इसमें ना है कहती वो मैंने खा ली ना पूरा पैकेट ले ली थी तो यहां पे देख जाइए इसको कुछ समझ आएगा या नहीं क्योंकि हम लोग इधर से ही जा रहे थे तो सोचा जाते जाते ले लेते इसको वहाँ पे पसंद नहीं आए थे तो अब यहाँ पे ट्राई करके देख रहे मम्मी पापा भी आ गए यहीं पे ना सही था तो पापा को ना ये वाला ट्रैक सूट पहना के देख रहे हैं कैसे अभी नीचे से वो सारे कुर्ते पजामे भी तो डाल रहे हैं ना मैं नहीं लेती आप तो पियो मम्मी ले लिया पिक्चर मैं बनवा रही हूँ गाजर का जूस उन सबने पी लिया था और देखो सामने वो आदमी है ना वो दारू पी रखी है दिन दहाड़े दारू पी रखी है उसने मैंने सोचा कि थोड़ा खून बढ़ेगा तो मैं गाजर का जूस पी लेती हूँ सारा आज बढ़ा लिया इतना गंदा टेस्ट था मेरा बिल्कुल टेस्ट खराब हो गया आज गोलगप्पे खाओगे ना गोलगप्पे ना अमरूद लिया फिर थोड़ी आगे तक अरे चाट भंडार भाई तुम गोलगप्पे कैसे खाते हो ऐसे ऐसे मुंह से खाते हो भाई थोड़ा अच्छे से बनाना फिर मीठा ना डलवाया पापा के अरे वो वाला का साथ पानी जो होते हैं अच्छा मन्नो तो सख्या पापा ने कह रहे तो मम्मी तो मीठा ना दिलवाया तने मीठा ही दिला दा लगा बा बढ़िया एक नंबर का पापा ना मजे आए शर्म घणा ख्या मनु है पानी भर दे ले खा ले मेरी बहू ले ये ले 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 कौन आखरी टेस्ट आ जाए फिर गोड़ का कम टेस्ट ले आखरी खवा दे अपनी खावे देख क्या जाए नुबला मेरी बूटी लेके जाऊंगा डोरेन कर दे पहले सारे हम गोड़ कप्पे खाए मतलब मैंने तो नहीं खाए मैंने नहीं दी ना ए पापा गाइस हम लोग घर पे आ गए थे और घर पे आते ही हमें सरप्राइज दिया है निशा जी ने बस दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ है ये और न्यूली मैरिड है सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन
और भाई इनने भी अपना 6th मंथ एनिवर्सरी है। अच्छा आज इनकी 6th मंथ एनिवर्सरी है। हां मैंने भैया को बोला था कि मैं इनकी 6th मंथ एनिवर्सरी मनाएंगे दीदी के साथ। थैंक यू। और आपका YouTube पे भी चैनल है ना? हां मिस्टर एंड मिसेस बेनीवाल प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ए तो भाई जितने बंदे भी तो जितने बंदे भी भाई हमारा व्लॉग्स देखते हैं तो मैम भी बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं तो इनके चैनल पे भी जाएं। निशा चौधरी के नाम से ही चैनल है, सारे जने जाके सब्सक्राइब कर लियो। अच्छे अच्छे कमेंट कर लियो। तो मम्मी जा रहे हैं और अब निशा और भैया भी जा रहे हैं दोनों, इनका भी टाइम हो गया है। और इधर हमारे भाई साहब और इसकी बहू, बहू तेरी ठीक है बहू, बाय जाके खाना वाना बनाएंगे। नीचे से उनको छोड़ के आई, फिर मम्मी बोली कि डिनर वहीं पे कर लेना, पर क्योंकि हम लोगों को भूख नहीं थी, थोड़ी बहुत भूख है, इनको तो है ही नहीं, मुझे है, तो मैं पहले अपना काम करने लगी, वीडियो वगैरह एडिट करने लगी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। आप कुछ बोलना चाहोगे? दो शब्द बोलेंगे हम कल, आज के लिए बस इतना। इनके लिए हमेशा यही होता है, इनको व्लॉग के स्टार्टिंग में बोलो, व्लॉग के एंड में बोलो, ये यही बोलते हैं कि कल, इनका कल कभी जिंदगी में नहीं आने वाला है कितना भी बोल लो। तो मैं तो कह के परेशान हो गई हूँ भाई, आप लोग बोलते हो कि व्लॉग में लेके आओ, कैसे लेके आओ, मतलब प्लीज मेरे को ट्रिक बताओ, क्या ट्रिक है बताना भी, कल कमेंट करके सारे बताना क्या क्या, इनकी जुबान कैसे खुलेगी, कोई ट्रिक बताओ मुझे। तो व्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।